नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। रायबरेली प्रयागराज NS-30 के भदोखर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज में दर्दनाक हादसा हो गया। फ्लाई ऐश से लदा ओवरलोड डंपर अनियंत्रित होकर इको स्पोर्ट कार पर पलट गया, जिससे कार सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे बच गए हैं, जिसमें से एक बच्चे को अस्पताल लाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। हादसा उस वक्त हुआ जब दो परिवार के लोग जन्मदिन का डिनर ढाबे से करके वापस रायबरेली की तरफ लौट रहे थे, तभी एक डंपर अनियंत्रित होकर गाड़ी पर पलट गया। हादसा NH पर हुआ, NH-30 पर, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने के लिए मिला। भारी जाम लग गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मिलकर गाड़ी में फंसे लोगों को निकालना शुरू किया। घायलों को अस्पताल लाया गया, जहां पर 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। शाहगंज नगर पालिका का सभासद राम प्रसाद मोदनवाल ने अपने चेयरमैन गीता जायसवाल और चेयरमैन पति प्रदीप जायसवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सभासद ने आरोप की जांच CBI और अन्य किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की है। सभासद राम प्रसाद मोदनवाल ने मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री समेत उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर टेंडर में करोड़ों के गबन और भ्रष्टाचार समेत फर्जी नामांतरण के लिए जमीन हथियाने का आरोप भी लगाया है। एटम में कपड़े बेचने वाले व्यक्ति को 2 कांस्टेबल सुरक्षा के लिए मिले हुए हैं। व्यक्ति कपड़े बेचने के लिए अपना ठेला सजाए हुए है, वहीं 2 गनर उसकी सुरक्षा में पीछे खड़े हैं। दोनों गनर हाथ में AK-47 लिए हुए हैं। दरअसल कपड़े का ठेला लगाकर रामेश्वर दयाल को पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव और जोगिंदर सिंह से जान का खतरा है। रामेश्वर ने जमीनी विवाद के बाद दोनों के खिलाफ 2014 में जाति सूचक गालियां देने और बंधक बनाकर बेनामा कराने के मामले में शिकायत की थी। तब से वो अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जब वो मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचा तो जज ने उसको सुरक्षा देने की बात कही है। जैथरा कस्बे में एक रेडी वाला है, उसको 2 गनर दिए गए हैं, क्या मामला है? ये रामेश्वर दयाल सिंह जैथरा है, इनके द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था अवैध कब्जे के संबंध में, और माननीय न्यायालय द्वारा जो है निर्देश दिया गया कि इनकी सुरक्षा के लिए इस निर्देशानुसार उनको जो है सुरक्षा उपलब्ध कराया गया। 2 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए गए हैं। हाँ, साजापुर में एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया। कम समय में जन्मे 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चों की मां अस्पताल में सुरक्षित बताई जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के टंडन नर्सिंग होम का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के थाना रतनपुरी क्षेत्र के अंतर्गत गांव मथेड़ी में माननीय न्यायालय के आदेश पर भोपा थाने से गैंगस्टर में वांछे चल रहे शातिर अपराधी सुशील मूंज की कार्रवाई के तहत 60 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। CO सहित कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची थी। ताजनगरी आगरा में थाना सिकंदरा क्षेत्र के गांव चोमसा निवासी रफीक, जो कि पेशे से पेंटर था, 15 अक्टूबर 2021 में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था। मृतक पत्नी शबाना का आरोप था कि गांव के ही रहने वाले पड़ोसी ने ही उसे मार डाला। वहीं मृतका की पत्नी की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं लगातार कुछ समय बीत जाने के बाद मृतक की पत्नी ने आगरा प्रशासनिक अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई थी। उसके बाद आगरा प्रशासन ने विधेयक राय के बाद प्रशासन ने अनुमति दी थी कि वो आगरा के प्रशासनिक अमले के साथ अधिकारी और थाना पुलिस पर पहुंचकर शव को निकाल लेंगे, और ऐसा हुआ। वहीं शव को निकालकर आगरा पोस्टमार्टम भेजा गया है, ताकि जो सच है उससे पर्दा उठ सके। हाथरस पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बड़ी तादाद में हथियार पकड़े गए हैं। स्विफ्ट कार से पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया है। 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान लाल रंग की स्विफ्ट कार से 5 पिस्टल, 3 तमंचे, 113 कारतूस और 1 किलो 70 ग्राम नशीला पाउडर सहित 2 बदमाशों को पकड़ा है।
सादाबाद कोतवाली पुलिस ने मंडावली अंडरपास के पास सर्विस रोड पर चेकिंग के दौरान एक लाल स्विफ्ट कार को रोका। कार को तलाशी लेने पर बड़ी तादाद में पुलिस ने हथियार बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाश बिहार के मुंगेर जिले से पिस्टल और तमंचे मंगाकर प्रदेश के बड़े गैंगों को सप्लाई किया करते थे। हरदोई के अतरौली थाना इलाके में दुष्कर्म से आहत होकर एक युवती ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने पुलिस को भी पूरी तरह से गलत बताया है और फिर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की सूचना पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई करने की बात कह रही है। अतरौली का मामला है, एक व्यक्ति है, उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। उनकी बहन जिसकी उम्र लगभग 21 साल है, वह अपने पिता का इलाज बहन लखनऊ गए थे। उनकी बहन और एक गांव का एक व्यक्ति है, वो दोनों नीचे के कमरे में घर पे वहाँ पे रात में रहे और सुबह जब उनकी पत्नी गई तो उनकी बहन जो है वो पंखे से लटकी हुई मिली है। उन्होंने आत्महत्या कर लिया है तथा उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसमें लिखा गया है कि हमारे और जो व्यक्ति था उसके कुछ फोटो और का डिटेल भी हैं। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। उचित धाराओं में भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर में अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम भेजा। ज्ञापन में गन्ना मूल्य भुगतान, किसान आयोग गठन, डग्गा मार्ग वाहनों पर रोक, चगहा की भूमि कब्जा मुक्त कराई जाए आदि मांगों को पूरी करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वाले में पवन कुमार, नीरज चौधरी, सोमवीर राणा, शिव कुमार, प्रमोद, मांगेराम शर्मा, पिंकू आदि मौजूद रहे। फर्रुखाबाद के कायमगंज में पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए जनपद के लाल का मंगलवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इसके साथ ही सरकार की तरफ से उनके परिवार को 50 लाख का चेक भी उपलब्ध कराया गया है। अंतिम संस्कार के बाद भारत माता जय के नारे लगते रहे। कोतवाली कायमगंज के ग्राम नगला विधि निवासी नगलादूत 53 वर्षीय विनोद कुमार पाल दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ नायब सूबेदार के पद पर तैनात थे। पीलीभीत की अमरिया तहसील क्षेत्र के बरेली हरिद्वार हाईवे पर ईंट भट्टे के सामने दो मोटरसाइकिल की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा बाइक सवार घायल हो गया है, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। कानपुर देहात में नवागंतुक महिला एसपी को चोरों ने चुनौती देते हुए 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में तकरीबन 65 लाख की नगदी जेवर की बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। चोरी की वारदात का खुलासा करने के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं, लेकिन एसओजी और स्वाट टीम ने गैर जनपदीय चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही जिले में लोगों के दिलों में चोरों का खौफ घर कर गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।